मुकदमा पेश हुआ है, मुकदमे का जवाब मुकदमे के तरीके से दो। मैं कांग्रेस से यही चाहता हूं, माननीय सोनिया जी से यही चाहता हूं कि वोटरों को पेंशन देने का जो मुकदमा हुआ है उस मुकदमे के बहस की तारीख लगवाएं और बहस करवाएं। अगर देश में पैसा नहीं है, ये कानून देश के लिए खराब है, तो हमारा मुकदमा हार जाएगा, हम मान जाएंगे। लेकिन कोई जज कहे कि हम तो आपके बहस ही नहीं कराते, फैसला देने जा रहे हैं, तो वो जज न्याय करेगा कि अन्याय करेगा? अन्याय करेगा। और ऐसा ही अन्याय जब भारत की संसद ने मेरे साथ किया, तब मैं संसद से बड़ी ताकत समझ करके अमेठी आप लोगों से मिलने आया। मैं उस जामवंत की तरह हूं कि अगर अमेठी के केवल अमेठी जिला के इस लोकसभा के लोग इकट्ठे हो जाए, ये ठान लें कि अगर वोटरशिप पर संसद में बहस ना हुई तो हम लोग भीष्म की तरह दुर्योधन से नहीं चिपके रहेंगे, हम भी दुर्योधन के खिलाफ धनुष उठा लेंगे। जिस दिन आपने ये ठान लिया, उस दिन केवल अमेठी की किस्मत नहीं जगेगी, ये पूरे देश के गरीबों की गुलामी खत्म हो जाएगी। सब आप में इतनी बड़ी ताकत है, आप में इतनी बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं। अमेठी के लोग चाहें तो इस देश नहीं दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि 1 तारीख को अमेठी जाऊंगा और अमेठी के पंचायत में पास कराऊंगा कि अमेठी के लोगों ने वोटर पेंशन के लिए हामी भर दी है, और ये हामी की चिट्ठी मैं राहुल जी को सौंपूंगा। लेकिन आज मैं यहां आके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं ये चिट्ठी राहुल जी को सौंपने वाला नहीं। क्यों? इसलिए नहीं हूं कि आपने भरत गांधी पर शंका की। जब तक आप भरत गांधी पर शंका करेंगे, तब तक हम राहुल जी से वोटर पेंशन कानून बनवाने के लिए नहीं कहेंगे। मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, मैं सीना फाड़ने को तैयार हूं, राम सीता को दिखाने को तैयार हूं, लेकिन हनुमान की आंख आपके अंदर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं तब तक राहुल भैया को नहीं कहूंगा कि आप इस कानून के समर्थन में आओ, जब तक कि आप सब लोग इस आंदोलन में, जैसे ये लोग पदयात्रा किए, ऐसे आप सब लोग पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करके ये मैदान भरते नहीं, तब तक नहीं। इस दुनिया में हक को लड़के लिया जाता है, मैं आप में लड़ने का जज्बा पैदा करना चाहता हूं। अगर मैं वोटर पेंशन के लिए अपनी जिंदगी को खूंटी पर टांग सकता हूं, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि कम से कम महीने भर में 4 दिन 5 दिन इसी आंदोलन के लिए दे दीजिए? क्या इतना नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप सब लोग इस आंदोलन के मेंबर बन जाएंगे, पदाधिकारी बन जाएंगे, ये ऑटो पेंशन देश का काम है और देश का काम है देश की रेल। हमारा 1750 रुपए सरकार पर बकाया है, हमारे टिकट का पैसा वो काट ले। और हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ है, एसडीएम साहब ने कहा कि भरत गांधी को जेल में ठोक दूंगा। अब मैं कहूंगा एसडीएम साहब, पूरा अमेठी 14 तारीख को रेल को भर के जाम करके ले जाएगा, औकात हो तो उनको पकड़ के दिखा रहा, पकड़ के। हमारा देश है, हमारी रेल है, देश के मालिक हम हैं, और सरकार पर 1700 महीने का बकाया हमारा पैसा है, तो 4 रुपल्ली का टिकट के लिए तुम हमें पकड़ोगे? Come on!
चाहता हूं कि इस देश में 50 करोड़ जैसे गरीबी रेखा बने उसी तरह देश में अमीरी रेखा बनाई जाए। अब 50 करोड़ के ऊपर जो लोग हैं उनकी सारी संपत्ति पर टैक्स लगा के इन वोटरों को पैसा देने का हम प्रस्ताव संसद में पेश किए। हम वोटर पेंशन का पैसा अमीरों से लेना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अब यह परीक्षा है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ या कांग्रेस का हाथ खास आदमी के साथ, किसके पास। अब यह क्रिस्टल है जांचने का। हमारे राहुल जी कहते हैं कि देश में गरीबों को विकास का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अब हम बात नहीं सबूत चाहते हैं, सबूत बात नहीं चाहते। गरीबी खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, इस देश की गुलामी खत्म होनी चाहिए। ये बात सुनते सुनते 50 साल से अपने कान पक गए। अब हमें बात नहीं चाहिए, अब तो हमें सबूत चाहिए कि वोटर पेंशन अब विकास का पैसा आम आदमी तक पहुंचाएगा। विकास में आम आदमी की भागीदारी के लिए वोटरशिप से बेहतर कोई उपाय नहीं है। ये वोटरशिप कानून बनाने की फीस है, ये वोटरशिप वोटरों का देश की संपत्ति में किराया है, ये वोटरशिप मशीनों की मेहनत से जो पैसा पैदा हो रहा है, मेहनत मशीनों की मजदूरी में वोटर का हिस्सा है। ये वोटरशिप लोकतंत्र चलाने की फीस है, जिस पर एसडीएम साहब कहते हैं कि भरत गांधी को गिरफ्तार करेंगे। एसडीएम साहब मत भूलना कि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी को भरत गांधी ने लात मारा हुआ, मत भूलना।